नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप नेचुरल तरीके से कैसे अपने पेनिस की लिंग की ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हो और अपने लिंग का तनाव बढ़ा सकते हो। बहुत ही बेस्ट नेचुरल तरीके बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो लिंग है वो ब्लड सर्कुलेशन पर ही डिपेंड करता है, जो लिंग का तनाव है। यदि लिंग का ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो लिंग में तनाव भी कम होगा, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। यदि आपका लिंग का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपका लिंग का तनाव भी उतना ही अच्छा होगा। इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे लिंग में तनाव बढ़ाने के लिए, ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए जो मैं तरीका है, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मसाज। 90% लोगों को यही नहीं पता कि लिंग की मसाज कैसे की जाती है। हमारे पास बहुत कॉल आते हैं, सर हमने लिंग की मसाज कर दी लेकिन हमें पता ही नहीं। यदि आप लिंग की मसाज अच्छी तरीके से करोगे तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी होगी। मैं आपको एक बताता हूं प्रैक्टिकल। ये मान के चलिए लिंग है तो ये सिरिंज, लेकिन आप इसको लिंग मानिए। अब इसकी ब्लड सप्लाई आपको बढ़ानी है मसाज के द्वारा। आपको मैं बता दूं, आप कहीं से भी, जैसे मेरी फिंगर है, आप यहां पर थोड़ी देर दबाइए और फिर छोड़िए, तो एकदम खून का तौर तेजी से बढ़ेगा। कहने का मतलब है ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ऐसे ही लिंग में, यदि आप कोई इस पे अच्छी वो ऑयल लगाइए या कोई मल्लम लगाइए। इसके लिए हम बहुत बार अपने पेशेंट को एक मल्लम देते हैं, ये हमारी मल्लम है, ये हमने बहुत पेशेंट को दिए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर हम उनको ये बताते हैं कि आपको इस मल्लम की मसाज कैसे करनी है। आपको थोड़ा सा मल्लम लेना है, वो लिंग के चारों तरफ लगा देना है, आगे के पार्ट में नहीं लगाना है। आप ये मल्लम ना ले, कोई भी तेल ले लीजिए जो आपके घर पर है। यदि आप ये मल्लम है ऐसे लगानी है। फिर आपको मसाज कैसे करनी है, आपको नीचे से पकड़ना है ऐसे और ऊपर से आपको मसाज करनी है ऐसे। नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। फिर आप एक बार देख लीजिए, बहुत गलती करते हैं, ऐसे पकड़ना है और नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है, फिर नीचे से ऊपर की मसाज ऐसे ऐसे मसाज करनी है, ऐसे ऐसे। कहने का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है और थोड़ा सा दबाव देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का दबाव आप दोगे और नीचे से और ऊपर की तरफ मसाज करोगे तो आपके जो लिंग की ब्लड सप्लाई है वो अच्छी बढ़ेगी। और यदि आप यहाँ पर ये मल्लम लगाओगे या जो हमने तेल बनाया है वो लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्कोटम होते हैं और जो एनस है, स्कोटम और एनस के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। मान के चलिए ये स्कोटम है और यहाँ पर एनस है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। इसके बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं पेरिनियम। यदि आप वहां पर भी जो हमने मल्लम बताई है वो थोड़ी सी मल्लम लगाकर वो ऐसे हल्के हाथों से दिन में एक बार मसाज करोगे, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से होती है और वहां बहुत छोटी छोटी नर होती है, नसें होती हैं। यदि आप वहां पर मसाज करोगे तो आपकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप कोई, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, कहते हैं सर हम कोई मल्लम नहीं लगाना चाहते, कोई तेल नहीं लगाना चाहते, कोई दवाई नहीं लेना चाहते, तो हम उनको एक सजेस्ट करते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का भी बहुत अच्छा रोल है, मैं वैक्यूम पंप को कभी गलत नहीं मानता, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और वैक्यूम पंप से लिंग की लंबाई भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि लिंग की लंबाई नहीं बढ़ती, लेकिन ये बहुत कम, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% है, लेकिन जिसको हम वैक्यूम पंप देते हैं और हम अपनी मल्लम देते हैं, मसाज कराते हैं, तो उसका हमने देखा है कि 1 से 1.5 इंच तक लिंग बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ऐसे, ये मान के चलिए आपका लिंग है, ये वैक्यूम पंप है, लिंग को वैक्यूम पंप के अंदर देना है, फिर आपको मसाज करनी है ऐसे ऐसे। ये बहुत ही अच्छा मेथड है लिंग की ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, और इसमें लिंग की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन ठीक होता है, क्योंकि हमने पता नहीं कितने पेशेंट को ये पंप भेज चुके हैं और हम कहते हैं आप मल्लम लगाइए, मल्लम लगाने के बाद लिंग आप इसके अंदर डालिए और फिर आप, एक तरह की मसाज ही है, कोई मसाज नहीं कर पाता तो हम उनको मल्लम भेजते हैं और ये वैक्यूम पंप। फिर हम कहते हैं दिन में एक बार आप मसाज कीजिए,
10 से 15 दिन हम ये कोर्स कराते हैं, ये कोर्स कर लीजिए, आपका लिंग का जो तनाव है वो बढ़ जाएगा, लिंग की लंबाई है वो बढ़ जाएगी, और जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ओरल सेक्स। वैसे मैं इसको सही नहीं मानता, ओरल सेक्स का भी ब्लड सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि ओरल सेक्स से भी एक तरह की मसाज हो रही है, उसमें भी एक तरह की मसाज हो रही है, सकिंग हो रहा है, तो ओरल सेक्स से भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन ओरल सेक्स से क्या है कि ओरल सेक्स से बीमारी एसटीडी बीमारी होती है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसका होने का खतरा ज्यादा होता है, तो इसको मैं सजेस्ट नहीं करता। लेकिन ओरल सेक्स का भी बहुत बड़ा रोल है ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हॉट टॉवल, मतलब गर्म तौलिया। यदि आप ये तौलिया है, यदि आप ये तौलिया है और ये आपका, हम इसको सिरिंज को इनके रूम में ले रहे हैं, यदि आप यहाँ पर कोई भी ऑयल लगाकर, या जो हम आपको मल्लम दे रहे हैं या कोई हमारी तरफ से जो ऑयल जाता है, हम ऑयल तो हर पेशेंट को देते हैं, क्योंकि हमने इतना बेस्ट ऑयल और मल्लम बनाया है ना, हम कहते हैं किसी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, आप खाली यही लगा लीजिए। आप जो ये मल्लम है ये लगाइए और थोड़ा सा गुनगुने पानी में ये आपको टॉवल डुबोना है, फिर इसको आपको निचोड़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये लिंग के चारों तरफ लपेट देना है, थोड़ी देर आपको ये रखना है, 30 सेकेंड या 1 मिनट मैक्सिमम, फिर आप इसको हटा लीजिए। इससे क्या होगा कि खून का दौरा बहुत तेजी से बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जो आपका कहीं भी ब्लड सप्लाई रुकी हुई है, खून का दौरा रुका हुआ है, या कहीं कह सकते हैं कहीं कचरा रुका हुआ है, तो कचरा हट जाएगा, खून का दौर बढ़ेगा और आपका लिंग के तनाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेक्सुअल स्टिमुलेशन। देखिए सेक्सुअल स्टिमुलेशन का मतलब है कि आप यदि कंटिन्यू सेक्स करते हैं तो आपके ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। आप ये बात दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, कंटिन्यू सेक्स करने से सेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो सेक्स है ब्लड सप्लाई है वो अच्छी होती है। हमारे पास जो पेशेंट कहते हैं बहुत बार, सर मैं तो 2 महीने बाद सेक्स कर रहा हूं तब भी मेरा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो गया, ऐसा क्यों? यही बात है, क्योंकि एक तरह की ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है, ये लिंग की एक्सरसाइज है, उसकी मसल्स की एक्सरसाइज है, तो इसलिए सेक्स कंटिन्यू करना जरूरी है। यदि आप सेक्स कंटिन्यू करोगे, मतलब ज्यादा गैप नहीं दोगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, और जो मैं मेडिसिन आपको देता हूं या मुझसे मेडिसिन मंगाते हैं उसका रोल क्या है? उसका रोल यही है कि वो आपके लिंग की ब्लड सप्लाई बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ाती है, और कहीं कचरा जमा हुआ है कचरा साफ करती है। इसमें जो मैं मेडिसिन आपको भेजता हूँ उसमें तेल भेजता हूँ, उसको मसाज करवाते हैं बताते हैं, फिर उसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, कुछ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, कुछ कैप्सूल देते हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारी मेडिसिन है जो हम पैकेज भेजते हैं, और ये दवाई अब पता नहीं कितने ही लड़कों लोगों ने ले चुके हैं, और मुझे लग रहा है किसी ने ये नहीं कहा होगा आज तक कि आपकी दवाई का रिजल्ट नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि हम इतने कम दाम लेते हैं कि जितने मेरे कम दाम हैं पूरी इंडिया में किसी के इतने कम दाम नहीं होते। क्योंकि मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जो मेरा चैनल बनाने का इंटेंशन है यही है कि आपका जो पैसा है वो बर्बाद ना हो, और आपको कम दामों में अच्छी से अच्छी दवाई मैं देता हूँ। हम ज्यादा से ज्यादा 1 बार या 2 बार मेडिसिन भेजते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो कारण क्या है वही ब्लड सप्लाई है। यदि आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी हो गई, हमने हमारे जो मेडिसिन द्वारा ब्लड सप्लाई बढ़ गई, तो आप ठीक हो जाओगे, फालतू के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा मेथड है, लोग परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं कि पता नहीं क्या हो गया। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसको बहुत छोटी बात समझता हूँ, और हमारे जो मेडिसिन है पहले दिन दूसरे दिन वर्क करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हमने इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। इसके लिए दोस्तों आप किसी भी बहुत एक्सरसाइज है यूट्यूब पर जाइए, कीगल एक्सरसाइज टाइप कीजिए, बहुत ज्यादा वीडियो आ जाएगी, क्योंकि यदि मैं बताऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए, इससे भी ब्लड सप्लाई बढ़ती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि हम भी बहुत पेशेंट को बताते हैं कि आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यदि आप मेडिसिन भी नहीं खाना चाहते तो कीगल एक्सरसाइज से भी आप
अपने जो लिंग की ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक थेरेपी होती है शोक वेव थेरेपी। इसमें क्या होता है, जो लिंग को एक तरह का हल्का करंट दिया जाता है, शोक दिया जाता है, उससे क्या होता है ब्लड सप्लाई बढ़ती है। लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। हमारे पास बहुत से लड़के आते हैं, सर हमें मशीन द्वारा इलाज करना है, क्या आपके पास मशीन नहीं है? देखिए मैं मशीन द्वारा इसलिए कहता हूँ, मैं इलाज करता ही नहीं, क्योंकि मुझे वो थेरेपी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसमें एक तरह करंट दिया जाता है, क्योंकि यदि कहीं ज्यादा करंट दिया गया तो कहीं ना कहीं नसें खराब होने का डर रहता है, तो उसकी वजह से उसमें क्या करंट दिया जाएगा, वो तुरंत तो रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही करंट दिया मशीन ने एकदम बहुत अच्छा तनाव आएगा, लेकिन जैसे ही आप वो थेरेपी बंद करोगे वो तनाव बिल्कुल डाउन हो जाएगा। फिर एक आता है पिनाइल स्टिमुलेशन या पिनाइल एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है कि लिंग को एक मशीन है वो खींचा जाता है। बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास, सर उनके पास तो मशीन थी, तो आप क्या करते हैं कि वो मशीन है वो लिंग को खींचती है, तो वो उसको मैं सही सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो क्या है कि टेम्परेरी रिजल्ट में मानता उसका, क्योंकि वो तो आपने लिया थेरेपी ली तभी रिजल्ट आ गया, जैसे ही आपने वो थेरेपी छोड़ी वो रिजल्ट गायब हो गया, और उसमें आप बहुत मोटा चार्ज देते हो, आपका जो बहुत पैसा खर्च होता है। हम कहते हैं कि जो आप वो थेरेपी देते हो इतने के तो हमारा पूरा कोर्स हो जाता है, क्योंकि हम दाम इतने कम लेते हैं, और ज्यादा हम एक या दो महीना मेडिसिन खिलाते हैं वो ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब लास्ट में यही है, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने लिंग में ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हो। तब भी कोई बात है या आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, इस नंबर पर बात करनी है, ये मेरा नंबर है, या तो मैं कॉल रिसीव करूंगा या जो मेरी टीम है, और मेरे पास जो टीम है ना पूरी क्वालिफाइड डॉक्टरों की टीम है, वी आपसे बात करेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं और या हमारी टीम आपसे बात करने का कोई चार्ज नहीं लेते, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, निःशुल्क हमारे पास क्लिनिक पर आते हैं पेशेंट, बात करते हैं 10-10 मिनट 20-20 मिनट, मैंने कोई फीस ही नहीं रख रखी भाई आप बात करने की, आप आइए बात कीजिए, मेडिसिन नहीं लेनी है वो एक अलग बात है, आप बात कर सकते हैं, बात करने कोई चार्ज नहीं। बहुत को तो हम काउंसलिंग के द्वारा बात करते करते ठीक कर देते हैं, क्योंकि जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि आपको तो ऐसी कोई खास बीमारी है ही नहीं, आपको हम कुछ नेचुरल तरीके बता देते हैं, कुछ आप घर पे कुछ उपाय वो बता देते हैं। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि मेरा कोई पैसा कमाने का मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि आपको सही एजुकेशन मिल जाए और जो अपना पैसा है वो कहीं बर्बाद ना करें। तो आज की वीडियो आपके लिए मुझे लग रहा है बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।